आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव नियामतपुर इक्टोरिया पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 16 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 2 किलोमीटर है। 5600 वोट और 12000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती कसीदन संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में काफी विकास कराया है। बताते चले कि यह परिवार कई बार ग्राम प्रधान चुने जा चुके हैं। अपने अच्छे कार्यों के कारण जनता इन्हें ग्राम प्रधान चुनती है। ग्राम प्रधान कसीदन और सचिव नरेश सिंह के द्वारा स्कूल व सड़कों का काफी विकास कराया गया है। इन 4 वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक मुंडा पांडे के नियामतपुर इक्टोरिया गाँव में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को यहाँ बीत चुके हैं और जैसा कि आपने बताया कि लगातार काफी लंबे समय से आप यहाँ जो है प्रधान पद पर कार्यरत हैं, आप या आपके परिवार में, तो अब तक क्या कितना विकास आपकी ग्राम पंचायत में हो चुका है? लगभग 2200 मीटर टाइल्स लग चुकी है हमारे, उसके अलावा 58 आवास बन चुके हैं, समथिंग 400 के आसपास शौचालय बन चुके हैं। ओडीएफ तो हो गई होगी क्या? ओडीएफ हो गया, बाकी विद्यालयों का सुंदरीकरण कराया गया है, फर्श वगैरह, उनके किवाड़ वगैरह जो भी हैं, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ लगवा दिया, कूड़ेदान, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सब बने हैं लोगों जी? हाँ, सब बने। पेंशन वगैरह सब मिल गई? पेंशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पेंशन है नहीं बन पा रही, बन नहीं पा रही, बाकी आपकी कोशिशें जारी हैं लोगों को जो है पूरी पेंशन बनवाने के लिए। सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे केंद्र सरकार ने योजना चलाई है मुफ्त में गरीबों को उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन ये जो देने के लिए, तो आपकी ग्राम पंचायत में क्या सभी लोग 100% लाभ इसका मिल पाया है? हाँ, मिल चुका। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? हाँ, तकरीबन आधे काश्तकारों के नाम में आ चुका है जी। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? देखिए, हमारे गांव में अभी रास्ते कच्चे बाकी रह गए, कोई बारात घर नहीं है, पंचायत घर नहीं है, और लगभग कितना मीटर जो है रास्ता आपका अभी कच्चा है जिसके लिए? हाँ, तकरीबन है 1.5 किलोमीटर के आसपास रास्ता कच्चा है। कुछ परिवार ऐसे भी होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? हाँ, 142 आवास की सूची सौंप जा चुकी है जी। उनका जियो टैगिंग तो हो चुका है। सुनने में आया है कि अप्रैल के 1st वीक से उन पर काम शुरू होगा। शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह यहाँ बने हुए हैं सर? हाँ, शमशान घाट की जरूरत है, उसके लिए भी पैसा नहीं मिल पाया है। शमशान घाट आपने मांग रखी है उसके लिए? हाँ, मांग रखी है। तो प्रधान जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इतने लंबे समय से जैसे कि आप या आपके परिवार में जो है जनता की सेवा लगातार करते चले आ रहे हैं, तो क्या इसमें इतने सालों में आपका कोई महत्वपूर्ण योगदान अपने निजी स्तर पर रहा है पब्लिक के लिए? जी हाँ, पूरा मार्गदर्शन उनके लिए, कोई समस्या पुलिस से हो, तहसील से हो, ब्लॉक सिस्टम हो, कोई भी हो जी। जी, जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है अब तक, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाले निर्माण, स्कूल में भी कार्यक्रम के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, आवास भी यहाँ कुछ लोगों को मिले हैं और शौचालय से भी ये गाँव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ मूलभूत समस्याएं यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसे लेकर प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर रास्ता यहाँ पर आज भी कच्चा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शमशान घाट को लेकर भी यहाँ प्रधान ने प्रमुख मांग रखी है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से।